छिंदवाड़ा कलेक्टर शीतला पटले के आदेश अनुसार कलेक्ट्रेट परिसर में जो भी कर्मचारी कार्यरत है उनको हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। उन सभी लोगों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। उसी संदर्भ में आज कलेक्ट्रेट परिसर के दोनों गेटों पर यातायात विभाग के द्वारा कर्मचारी और अन्य नागरिकों पर चालानी कार्रवाई की गई। यातायात डीएसपी का कहना है कि आए दिन सड़क में दुर्घटनाएं हो रही हैं, उससे बचने के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है। गांव में मृत्यु के आंकड़ों को देखते हुए कि लगभग 50% से अधिक मृत्यु दोपहिया वाहन चालकों की होती है जो बिना हेलमेट वेयर किए और सड़क पर वाहन चलाते हैं। इसी को देखते हुए माननीय न्यायालय के निर्देश पर और जन सुरक्षा को देखते हुए सभी जगह सभी लोगों के लिए जो दोपहिया वाहन चलाते हैं हेलमेट अनिवार्य किया गया है। इसी अभियान के तहत जिला छिंदवाड़ा में सभी शासकीय कर्मचारियों को माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हेलमेट पहनने के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिसके पालन में आज भी जिला कलेक्ट्रेट के सामने और नगर निगम कार्यालय के सामने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने एवं सभी ऐसे शासकीय कार्यालयों के सामने जहां पर हमारी पहुंच हो सकती है हेलमेट वियर करने का अभियान चलाया जा रहा है। जो भी व्यक्ति शासकीय कार्यालय में बिना हेलमेट के आ रहा है उनका फाइन किया जा रहा है। ऐसे लोगों की सूची बनाकर विभाग प्रमुख को दी जाएगी। हमारा आप के चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन है, चूँकि दोपहिया वाहन चालकों में वाहन चलाते समय सड़क पर दुर्घटना से बचने के लिए मृत्यु से बचने के लिए हेलमेट के एकमात्र सुरक्षा कवच है। आवश्यक रूप से हेलमेट वियर करें और बिना हेलमेट के वाहन ना चलाएं, अपनी जान की सुरक्षा भी करें और कानून का पालन भी करें। छिंदवाड़ा से बीसीएन न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।